और जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ वो है विटामिन। सो विटामिन जो टर्म था उसे किसने दिया था? उसे दिया था कैसिमियर फंक ने इन ईयर 1912, और उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये विटामिन टर्म कॉइन किया था। तो विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है वाटर सॉल्युबल एंड सेकेंड इज फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल सेकेंड इज फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन से होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन आते हैं इसमें, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये टोटल होते हैं 9 विटामिन्स। 9 विटामिन्स कैसे? B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B8 नहीं होता एंड B10 और 11 नहीं होता, सिर्फ 12 होता है। तो ये पूरे मिला के जो होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स के 9 विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी के 9 विटामिन्स होते हैं। और फैट सॉल्युबल में चार होते हैं, ए डी ई एंड के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, पहले विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ये हो गया बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे हो गए हैं, ये हो गए बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन। एंड फिर ये हो गए पहले बी, फिर देन विटामिन सी। सी इन्हों क्या इसको क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये क्या कॉज करता है? डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? ब्लीडिंग गम्स, सॉरी स्कर्वी, स्कर्वी क्या कहते हैं? स्कर्वी, ब्लीडिंग कॉज, ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स। तो विटामिन B1 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, सॉरी नहीं, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है, विटामिन B1 का है थायमिन। थायमिन B2 का राइबो फ्लेविन, B3 का नियासिन, विटामिन B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड। B6 पाइरोक्सिन, B7 का हो गया बायोटिन, B9 का फोलेट, चाहे फोलेट कहिए या फिर फोलिक एसिड कहिए। एंड B12 का साइनो कोबालामाइन, सॉरी अब इनसे कौन कौन से होते हैं डिफिशेंसी डिजीजेस इन सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से वो हम लोग देखेंगे। B1 से होता है बेरी बेरी, B2 से होता है किलोसिस, B3 से होता है
फलाग्रा बी फाइव से होता है। बी फाइव से कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर अगर इसकी डिफिशेंसी होती है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं इनएडिक्वेट ग्रोथ। इनएडिक्वेट ग्रोथ। विटामिन बी सिक्स से कन्वुल्शन, कन्वुल्शन। विटामिन बी सेवन से समटाइम्स डिप्रेशन भी होता है, हेयर लॉस होता है, मस्कुलर पेन होता है, हेयर लॉस, मस्कुलर पेन। फोलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी ट्वेल्व से परनीसियस एनीमिया। तो ये हमने डिस्कस कर दिया कि वाटर सॉल्वर के विटामिन, सपोज दिस सपोज नो वाटर सॉल्वर जो विटामिन होते हैं, इनसे ये सारे नाइन एट हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, इसमें B4 नहीं होता, B8 नहीं होता, 8 के बाद, और 10 और 11 नहीं होता, फिर डायरेक्ट 9 का 12 होते हैं। तो ये सारे 8 विटामिन्स एंड विटामिन सी, ये मिलाकर टोटल हो गए 9 विटामिन्स, और जो ये 9 विटामिन्स होते हैं, ये होते हैं वाटर सॉल्वर विटामिन्स। तो अब हम आगे जाते हैं, नाउ फैट सॉल्वर विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इसलिए सम टाइम्स कहते हैं कि हम जो वेजिटेबल्स हम कट करते हैं, उनको हमें कट करने से पहले ही वॉश कर लेना चाहिए, कट करने के बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो वाटर जो विटामिन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल, वो पानी से, पानी में मिक्स होकर वो जब पानी को हम पानी से धुलते हैं तो पानी से चले जाते हैं, इसलिए हमें हमें उनको पहले ही वॉश करना चाहिए, आफ्टर दैट हमें कट करना चाहिए वेजिटेबल्स को। नाउ फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से आते हैं विटामिन्स? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए सर, और इसका अदर नेम है रेटिनॉल, रेटी, इसका अदर नेम है रेटिनॉल। और विटामिन डी का कोले कैल्सिफेरॉल और एर्गो कैल्सिफेरॉल, एंड अर्गो कैल्सिफेरॉल। इसको कहते हैं डी टू, इसको कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं D3, और इनको इसको D2। विटामिन ई से, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, सॉरी टोको, विटामिन के को फाइलोक्विनोन, एंड मेनाक्विनोन। अब इनसे हम पढ़ेंगे, इनसे डिफिशेंसी डिजीज कौन कौन से होते हैं। तो रेटिनॉल से नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थैल्मिया, एंड केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन। रेड कलर इज सो मच मतलब इफेक्टिव फॉर आई, शुड आई वुड नॉट यूज इट। एंड देन विटामिन डी से रिकेट्स, और एक चीज और होता है ऑस्ट्रोमलेशिया,
ऑस्टियो ऑस्टियो मलेशिया। रिकेट्स होते हैं किसमें? चिल्ड्रन में, और ऑस्ट्रो मलेशिया होता है एडल्ट में, एडल्ट्स में। विटामिन ई से जो होते हैं वो होते हैं सपोज वो होते हैं मसल्स में डिजीज, जैसे कि मसल वीकनिंग हो जाता है तो उससे कहते हैं हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इससे क्या होता है, मसल वीकनिंग हो जाती है, मसल वीक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और ये फाइलोग्राम विटामिन के से क्या होता है, जो विटामिन के होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लेकिन अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन के की तो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है टाइम, किसकी, ब्लड क्लॉट की टाइम को इंक्रीज कर देता है। डेफिशिएंसी डिजीज हम पढ़ रहे हैं इसके, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम एंड हिमरहेजिक डिजीजेस। आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, और क्या कहते हैं, फिर हमने पढ़ा विटामिन सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में, विटामिन सी के बारे में, कि वो उनका अदर नेम भी क्या है और उनसे कौन कौन से डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन में भी हमने विटामिन ए डी ई के बारे में पढ़ा, इनके क्या क्या कॉमन नेम्स हैं, मतलब सॉरी इनके क्या क्या अदर नेम्स हैं और इनसे क्या क्या होते हैं डिजीजेस इनकी डेफिशिएंसी होने पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।